हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, फाइनली द वेट इज ओवर। फ्लिपकार्ट पे बिग दिवाली सेल यहाँ पर 2023 जो स्टार्ट हो चुका है, एंड यहाँ पर आपको बहुत सारी स्मार्टफोन डील्स ये सेल में देखने को मिल रही है। उसमें से मैंने आप लोग के लिए अराउंड 15 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन डील पिक करा हूँ। लाइन से सारी डील्स के बारे में बताने वाला हूँ, अपने ऑनेस्ट ओपिनियन भी आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर सेल डेट एंड बैंक ऑफर के बारे में। तो सेल तो अगर आप फ्लिपकार्ट के प्लस कस्टमर हो तो ऑलरेडी जो आप लोग के लिए स्टार्ट हो चुका है, एंड अगर आप नॉन प्लस मेंबर हो तो आज रात 12 बजे से आपको सारी डील्स ग्रैब करने का मौका मिलेगा। 11 नवंबर तक के यहाँ पर ये सेल चलने वाला है। बैंक ऑफर की अगर हम बात करें तो SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। अब बिना टाइम वेस्ट करें फटाफट से आपको 15 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन डील फ्लिपकार्ट के बिग दिवाली सेल में से बता देता हूँ। सबसे पहली स्मार्टफोन डील की अगर हम बात करें, अनबीटेबल डील है iPhone 14। जी हाँ, अंडर 50,000 रुपीज में आपको सारे ऑफर लगा के देखने को मिल रहा है। अब जो कल रात में 12 बजे तो आया था, देन प्राइस पॉइंट जो बढ़ गया था आप सभी को पता है, लेकिन जो नॉन प्राइम मेंबर है आज रात 12 बजे वेट कर लेना, मे भी शायद वापस से 50,000 रुपए में आपको देखने को मिल जाए। एंड ये प्राइस पॉइंट पे मिलता है ना, आंख बंद करके आप ग्रैब कर सकते हो। तगड़ा ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। नेक्स्ट इसी का बड़ा भाई iPhone 14 प्लस, अंडर 60,000 रुपीज में आपको देखने को मिल रहा है। ये प्राइस पॉइंट पर अगर आपको मिलता है एंड आपको एप्पल का बड़े डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन चाहिए, डेफिनेटली इसकी तरफ भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट डील है सैमसंग का फ्लैगशिप किलर सैमसंग S21 FE 5G, स्नैपड्रैगन 888 वाला वेरिएंट में बोल रहा हूं। यहां पर सारे ऑफर लगा के आपको मिलेगा अराउंड 32,000 रुपीस में, एंड फॉर डेट प्राइस पॉइंट हाईली रिकमेंडेड है। कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर है, डिजाइन अच्छा मिल जाता है, IP68 वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट, स्नैपड्रैगन 888 की बढ़िया परफॉर्मेंस, कैमरास वगैरह भी काफी तगड़े मिल जाते हैं। तो 32,000 रुपीस के आसपास का बजट है, सैमसंग का एक फ्लैगशिप किलर चाहिए, इसकी तरफ आप देख सकते हो। नेक्स्ट यहां पर Realme 11 Pro 5G स्मार्टफोन जब लॉन्च हुआ था अराउंड 24,000 रुपीस का था, लेकिन फिर से आपको 20,000 रुपीस में सारे ऑफर लगा के मिल रहे हैं। जस्ट ग्रैब इट, बिकॉज़ ये प्राइस पॉइंट पे आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, लेदर बैक देखने को मिलता है, डेमेंसिटी 7050 5G की बढ़िया परफॉर्मेंस है, कैमरा 100 मेगापिक्सल OIS कैमरा है, बड़ी बैटरी है, फास्ट चार्जिंग है। तो 20,000 रुपए में कर्व डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन चाहिए, इसकी तरफ भी आप देख सकते हो। स्टील इसी का बड़ा भाई Realme 11 Pro Plus 5G स्मार्टफोन, ऐसे तो अराउंड 28,000 रुपीस में लॉन्च होता है 256 वाला वेरिएंट, लेकिन दिवाली सेल में अंडर 25,000 रुपीस का देखने को मिल रहा है, इसकी तरफ भी आप देख सकते हो। Realme 11 Pro जैसा ये सिर्फ आप बोल सकते हो, कैमरा जो 200 मेगापिक्सल का OIS मिल जाता है, स्टोरेज ज्यादा देखने को मिलती है, 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो 25,000 रुपए का बजट है, डेफिनेटली इसकी तरफ आप देख सकते हो। नेक्स्ट डील एक और एक फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन पे मिलता है Realme की तरफ से, Realme GT2 Pro स्मार्टफोन। जब ये लॉन्च हुआ था इंडियन मार्केट में अराउंड 50,000 रुपीस का था, लेकिन बिग दिवाली सेल में सारे ऑफर लगा के अंडर 27,000 रुपीस में आप परचेस कर पा रहे हैं। ये प्राइस पॉइंट पे हाईली रिकमेंडेड है, बिल्ड क्वालिटी जबरदस्त, 2K AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 की बढ़िया परफॉर्मेंस है, कैमरा वगैरह भी तगड़े है, बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग, डेफिनेटली 27,000 रुपए के आसपास का बजट है, फ्लैगशिप स्मार्टफोन ढूंढो, इसकी तरफ आप देख सकते हो। नेक्स्ट डील बजट किलर है Poco M6 Pro 5G स्मार्टफोन। ऐसे तो कुछ दिन पहले ये लॉन्च हुआ था 11-12,000 रुपए का था, लेकिन ये ऑफर में सारे ऑफर डिस्काउंट वगैरह लगाओगे आपको मिलेगा अंडर 10,000 रुपीज में। अंडर 10,000 रुपीज में सबसे बेस्ट 5G स्मार्टफोन आप कह सकते हो। डिजाइन बढ़िया है, 90Hz का डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 की बढ़िया परफॉर्मेंस है, कैमरास अच्छे, बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग है, 10,000 रुपए का बजट है, देख सकते हो। नेक्स्ट डील आपको मिलती है Poco की तरफ से, Poco X5 5G स्मार्टफोन। इसका जो 8GB RAM 256GB स्टोरेज वेरिएंट है, सारे ऑफर लगा के आपको अंडर 14,000 रुपीस में देखने को मिल रहा है, हाईली रिकमेंडेड है, डिजाइन अच्छा है, 120Hz का AMOLED डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 695 की डिसेंट परफॉर्मेंस है, 256GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, कैमरास डिसेंट है, बड़ी बैटरी है, फास्ट चार्जिंग है, तो AMOLED डिस्प्ले ज्यादा, स्टोरेज है, ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, 14,000 रुपए में, इसकी तरफ आप देख सकते हो। नेक्स्ट यहां पर अगेन अनबीटेबल फ्लैगशिप किलर Poco F5। जी हां, ये BBD सेल में जो है सारे ऑफर लगा के 21,000 रुपए में मिला था, लेकिन बिग दिवाली सेल में सारे ऑफर लगा के आपको अंडर 23,000 रुपीस में मिल रहा है। हाँ, मुझे पता है 2,000 रुपए महंगा है, बट स्टिल 23,000 रुपीस में भी अनबीटेबल स्मार्टफोन है, डिजाइन अच्छा है, 120Hz का AMOLED डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 2 की तगड़ी परफॉर्मेंस है, ये प्राइस पॉइंट पे इससे बेटर परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगी, कैमरास डिसेंट है, बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग है, 23,000 रुपीस में माइंड में कंफ्यूजन है कि भाई ले ना ले, डेफिनेटली देख सकते हो, इसके बाद में आई डोंट थिंक सो ये प्राइस पॉइंट पर आपको ये फोन मिलेगा। नेक्स्ट डील आपको देखने को मिलती है Moto की तरफ से, Moto G84 5G स्मार्टफोन। कुछ ही दिन पहले जो अराउंड 20,000 रुपीस में लॉन्च हुआ था, बिग दिवाली सेल में सारे ऑफर लगा के अंडर 18,000 रुपीस में आप ले पाओगे, ये प्राइस पॉइंट पे डिसेंट स्मार्टफोन है, डिजाइन अच्छा है, 120Hz का AMOLED डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 695 है, डिसेंट कैमराज है, OIS देखने को मिल जाता है, स्टॉक एंड्रॉइड है, बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग, लेकिन इसका सबसे बड़ा हाइलाइटिंग फीचर है कि यहाँ पर आपको 256GB की स्टोरेज 12GB रैम के साथ में मिल रहा है, तो आपको एक डिसेंट सा स्मार्टफोन चाहिए, ज्यादा रैम एंड रोम के साथ में 18,000 रुपए में, इसकी तरफ भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट डील आपको देखने को मिलती है Redmi
की तरफ से Redmi Note 12 Pro 5G स्मार्टफोन जब ये इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ था अराउंड 25,000 रुपीज का था, लेकिन ये सेल में आपको मिल रहा है 18,000 रुपीज मैन फॉर डेट प्राइस पॉइंट हाईली रिकमेंडेड है। ग्लास बैक 120 हर्ट्ज़ का AMOLED डिस्प्ले, 3.5 हेडफोन जैक, स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट, साथ ही में डेमेंसिटी 1080 5G की बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाती है, कैमरास तगड़े मिल जाते हैं, OIS देखने को मिल जाता है, बड़ी बैटरी है, फास्ट चार्जिंग है, तो 18,000 रुपए में डेफिनेटली इसकी तरफ भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स नोट 30 5G स्मार्टफोन, इसका जो A256 वाला वेरिएंट है जब लॉन्च हुआ था 16,000 रुपए का था, लेकिन आज की डेट में बिग दिवाली सेल में अराउंड 13,000 रुपीज में आप ले पाओगे एंड फॉर डेट प्राइस पॉइंट हाईली रिकमेंडेड है। यहाँ पर भी डिजाइन अच्छा है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, 256 GB की स्टोरेज मिल जाती है, डेमेंसिटी 1080 5G की बढ़िया परफॉर्मेंस है, कैमरास भी डिसेंट है, बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग, तो 13,000 रुपए का बजट है, एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, इसकी तरफ भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट रील यहाँ पर आपको देखने को मिलती है इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स 030 5G स्मार्टफोन पे, इसका जो 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज वेरिएंट है ऐसे तो काफी महंगे में लॉन्च हुआ था, लेकिन ये सेल में अराउंड 23,000 रुपीज में देखने को मिलेगा एंड 8 GB रैम वाला वेरिएंट तो और सस्ते में दिया जाएगा एंड ये प्राइस पॉइंट पे काफी बढ़िया ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। डिजाइन अच्छी देखने को मिल जाती है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में AMOLED डिस्प्ले, डेमेंसिटी 8020 5G की बढ़िया परफॉर्मेंस है, कैमरास वगैरह भी तगड़े, स्पेशली जो सेल्फी कैमरा 50 MP का जबरदस्त क्वालिटी की इमेजेस वगैरह दे देता है, उसी के साथ में बड़ी बैटरी मिल जाती है, 68W का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, तो 22-23,000 रुपए का बजट है, अच्छे रैम रोम के साथ में एक बढ़िया कर्व डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन चाहिए, इसकी तरफ भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट डील अगेन आपको देखने को मिलती है मोटो की तरफ से, मोटो G54 5G, इसका जो 256 GB स्टोरेज प्लस 12 GB रैम वाला कॉम्बिनेशन है ऐसे तो महंगे प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुआ था, लेकिन ये सेल में सारे ऑफर लगा के अंडर 15,000 रुपीज में आप ले पाओगे एंड फॉर डेट प्राइस पॉइंट डेफिनेटली इसकी तरफ भी आप देख सकते हो। डिजाइन अच्छा है, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, साथ ही में 12 GB रैम 256 GB का कॉम्बिनेशन तो है, उसी के साथ में डेमेंसिटी 1720 5G की बढ़िया परफॉर्मेंस है, 50 MP का OIS वाला कैमरा देखने को मिल जाता है, स्टॉक एंड्रॉइड है तो नो एड्स नो ब्लोटवेयर, 6000 mAh की आपको बैटरी भी यहां पर दी गई है, तो 15,000 रुपए में तगड़ा ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए रैम रोम एंड अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में, इसकी तरफ भी आप देख सकते हो। सो गाइस ये अराउंड 15 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन डील मैंने आप लोग के लिए पिक करा था फ्लिपकार्ट के बिग दिवाली सेल में से, इसमें से कोई भी स्मार्टफोन अगर आप लेते हो आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे। वैसे कैसा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये सारी डील्स आपको कैसे लगी, कि आपने इसमें से ऑलरेडी पहले कोई डील को ग्राब कर चुके हो, वीडियो देखने के बाद करने वाले हो, ये डील को लेकर कुछ क्वेश्चन है कुछ क्वेरीज है मुझे पूछना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि वीडियो पसंद आई होगी एंड कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।